रेडमी के मोबाइल फोन में कौन से 9, 10, 11, 12, 13 इससे पीछे भी, जिस मोबाइल फोन के अंदर रेडमी का मोबाइल फोन आता है और रेडमी का मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू कौन सा लगा होता है? क्वालकॉम। क्वालकॉम। अच्छा, मोस्टली रेडमी के मोबाइल फोन की खासियत भी है कि क्वालकॉम सीपीयू का मोबाइल फोन को ज्यादा बनाती है। उसका जो मोबाइल फोन बनाने का जो बेस होता है वो क्वालकॉम सीपीयू का बेस ज्यादा होता है। अगर उसने से 10 मोबाइल फोन मार्केट में उसने बना करके मार्केट में फेंके तो 10 में से रेशियो ये होगा कि 8 फोन क्वालकॉम के होंगे, 2 फोन मीडियाटेक के होंगे। अब जैसे टेक्नो का मोबाइल फोन होता है, टेक्नो का मोबाइल फोन अगर मार्केट में आता है तो उसका अगर एक क्वालकॉम होगा तो 9 मीडियाटेक होगा। इनफिनिक्स का होगा तो इनफिनिक्स में से 2 से 3 मोबाइल फोन क्वालकॉम होंगे और 6 से 7 मोबाइल फोन मीडियाटेक के होंगे। और अगर रेडमी के सीरीज में जाएंगे तो रेडमी में से क्वालकॉम के फोन ज्यादा मिलेंगे और मीडियाटेक कम मिलेगा। वीवो में चले जाएंगे तो वीवो में दोनों 50-50, आधा मीडियाटेक होगा आधा क्वालकॉम। अगर उसका एक मॉडल मीडियाटेक होगा तो एक मॉडल क्वालकॉम होगा। ओप्पो का मोबाइल फोन होगा तो ओप्पो का मोबाइल फोन में क्वालकॉम बेस ज्यादा होंगे, मीडियाटेक कम होंगे। लेकिन अगर उसी के में से रियलमी ब्रांड में जाएंगे तो उसमें से आधा आधा होगा, आधा क्वालकॉम होगा आधा मीडियाटेक होगा। और अगर वन प्लस में जाएंगे तो वन प्लस में सेम एक मोबाइल फोन मीडियाटेक का होगा तो 9 मोबाइल फोन क्वालकॉम के होंगे। क्योंकि जो मोबाइल फोन जितना अच्छा होता है, जितना बेहतर होता है, वो मोबाइल फोन की खासियत होती है वो प्रोसेसर अच्छा यूज करता है। अगर सैमसंग का भी फोन है तो सैमसंग के फोन में अगर 7 फोन आते हैं तो 7 में से 2 फोन अगर मीडियाटेक होंगे तो 5 मोबाइल फोन क्वालकॉम के होंगे। मतलब क्वालकॉम बेस्ड मोबाइल फोन ज्यादा बनाता है क्योंकि क्वालकॉम प्रोसेसर बेहतर है, वैसा है। तो इसलिए रेडमी के फोन में क्या है कि क्वालकॉम प्रोसेसर मोस्टली ज्यादा यूज होता है। अगर आप तुम सभी लोग अगर फोन में अगर बेटर एक्सपीरियंस के लिए 10 लोगों का मोबाइल फोन देख लीजिए, रेडमी 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 रेडमी, और सब में सर्च करेंगे तो सब मोस्टली क्या मिलेंगे? क्वालकॉम बेस मिलेंगे। तो क्वालकॉम मोबाइल फोन में क्या रहता है, सबसे बड़ी बात रहती है कि हमको फोन खोलना पड़ता है। क्यों खोलना पड़ता है? क्योंकि इसके आइडियल पॉइंट होता है। क्या होता है? आइडियल पॉइंट होता है। आइडियल पॉइंट के लिए हमको मोबाइल फोन खोलना पड़ता है और उसमें से आइडियल पॉइंट, मान लिया कुछ मोबाइल फोन आइडियल पॉइंट नहीं मिल रहा है। हाँ, रेडमी का मीडिया नहीं, उसमें आइडियल पॉइंट नहीं होगा, वो अलग, वो वही तरीका है। लेकिन क्वालकॉम में अभी जो अपडेट्स आया, मैं क्वालकॉम में बता रहा हूँ, तो क्वालकॉम मोबाइल फोन को आपको खोलना नहीं पड़ेगा। मान लिया आपके पास रेडमी 10 मोबाइल फोन आया, जैसे कल मोबाइल फोन तुम दिया था किसको, रेडमी 10 अनलॉक कर रहे थे, जिन्होंने दे दिया था, वापस दे दिया था। हाँ, वो मोबाइल फोन पूरा पैक था। अगर उसको खोलेंगे तो पीछे का बैक ग्लास टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पूरा फोन बंद है, उस कस्टमर को बोलना पड़ेगा बैक ग्लास खोलना पड़ेगा। या बहुत ऐसे क्वालकॉम के मोबाइल फोन आते हैं जो ऊपर से ही खुलेंगे, ऐसा भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन पे क्या चाहिए था? उस सिचुएशन पर हम लोग को मोबाइल फोन में FRP रिमूव करना है। क्या करना है? FRP रिमूव करना है। FRP रिमूव करने के लिए हम लोग MI असिस्टेंस मोड में FRP को हटा सकते हैं। किसमें हटा सकते हैं? अब ये MI असिस्टेंस मोड कैसे आता है मैं वो पहले दिखाता हूँ और फिर इसके माध्यम से FRP कैसे हटा जाता है उसको भी बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वालकॉम सीपीयू का कोई भी मोबाइल फोन आता है रेडमी कंपनी का, किसका आता है, तो आप उसको वाइप डाटा कर दीजिए, 100% उसका लॉक ब्रेक हो जाएगा। रेडमी के मोबाइल फोन में कभी भी वाइप डाटा करते समय पासवर्ड नहीं मांगता, सिर्फ ओप्पो वीवो इन्फिनिक्स टेक्नो ये फोन मांगते हैं। लेकिन रेडमी का मोबाइल फोन कभी वाइप डाटा करते समय पासवर्ड नहीं मांगता। मान लिया कोई कस्टमर आया, उसके मोबाइल फोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उसके मोबाइल फोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, वो पैटर्न लॉक भूल गया। जब पैटर्न लॉक भूल गया तो हम लोग मोबाइल फोन को रीसेट करेंगे, तो जब रीसेट करेंगे तो लॉक खुल जाएगा। लेकिन लॉक खुलने के बाद ये बात पक्का है कि FRP लग जाएगा। क्या लग जाएगा? FRP हम लोग डोंगल से हटा लेंगे। डोंगल से कैसे हटाएंगे? MI असिस्टेंस मोड में हटा देंगे। MI असिस्टेंस मोड में हटाने से क्या रहता है कि हमारे मोबाइल फोन को खोलना नहीं पड़ेगा और मेरे मोबाइल फोन का लॉक खुल जाएगा। इस मोड में जाना पड़ेगा। हाँ, इस मोड में जाना पड़ेगा। अब इस मोड में कैसे जाएंगे मैं वही तरीका तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इस मोड में जिस जो मोबाइल फोन MI असिस्टेंस मोड में चले जाएंगे उस सभी मोबाइल फोन का FRP हट जाएगा। जैसे सैमसंग में कि जितने मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन में *#0*#, जैसे कोड काम करते ही MTP मोड खुल जाता है। जितने मोबाइल फोन में MTP मोड खुल जाता है वो मोबाइल फोन के लॉक खुल जाते हैं।
ठीक है ना, उसको इस बात से मतलब नहीं है, उसको मतलब सिर्फ एमटीपी मोड से। उसी तरीके से एमआई के अंदर भी एक ऐसा फीचर आ गया है कि एमआई असिस्टेंस मोड से आप उसके लॉक को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि एमआई के मोबाइल फोन में एफआरपी ही मेन होता है, बाकी वाइप डाटा तो ऐसे ही हो जाता है जैसे सैमसंग का फोन है। सैमसंग का मोबाइल फोन में कोई भी आज तक ऐसा टूल नहीं आया जो मोबाइल फोन में पासवर्ड को तोड़े। क्यों? पासवर्ड तुमको हार्ड रीसेट करके ही तोड़ना पड़ेगा। जब पासवर्ड हार्ड रीसेट करने से टूट जाएगा फिर एफआरपी इससे टूटेगा। ऐसे एमआई के मोबाइल फोन में है कि उसका जो लॉक है आप हार्ड रीसेट करके ही तोड़ेंगे, लेकिन जो उसका एफआरपी है वो एमआई असिस्टेंस मोड में हटाएंगे। किसमें हटाएंगे? एमआई असिस्टेंस मोड कैसे आएगा मैं उसका आपको प्रक्रिया बताता हूँ। आप ये चीजें लिख नोट, इसको नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। फोन आया, उस मोबाइल फोन में हम उसका एफआरपी तोड़ना चाहते हैं। क्या तोड़ना चाहते हैं? एफआरपी तोड़ना चाहते हैं। एफआरपी तोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डोंगल अपने सिस्टम में पहले लगाना पड़ेगा। जब डोंगल सिस्टम में लगा लेंगे तो सिस्टम में लगाने के बाद क्वालिकॉम वाले सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। रेडमी का मोबाइल फोन किसके पास है? लाइए तुम भी लाओ। हाँ तुम्हारा नई सिक्योरिटी है, ला दोनों दोनों आप ही रखें, हम कुछ करेंगे नहीं। ये रेडमी का मोबाइल फोन, इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है? आज मैं आपको मोबाइल फोन का एक फॉर्मेट भी बताता हूँ कि आप लोग मोबाइल फोन को, कोई भी मोबाइल फोन आएगा उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर की समस्या आएगी तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। मैं एक स्टेप लिखता हूँ, ठीक है? उस स्टेप को आप सभी लोग फॉलो करेंगे तो आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो उसको ईजिली आप रिपेयरिंग कर पाएंगे। ठीक है, देखो हम तुम्हारे इसमें अपडेट वाला सामने स्क्रीन पे नहीं रखे हो गया? यूनिटी सेटअप लिख के जो आता है क्या?